तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि Xiaomi के Mi 11 सीरीज़ का सबसे लेटेस्ट मेंबर और सबसे लाइट मेंबर यानी कि Mi 11 लाइट जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअल में दो मॉडल्स हैं, एक 5G मॉडल है और एक 4G मॉडल है। इंडिया में फ़िलहाल 4G मॉडल को लॉन्च किया गया है। 5G मॉडल के बारे में बात चल रही है कि इन फ्यूचर वो लॉन्च होगा। तो कैसा होने वाला है ये स्मार्टफोन और क्या होने वाला है इसके स्पेसिफिकेशंस और ये वर्थ बाइंग है या नहीं, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहिए आप, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस इन फ्यूचर भी आपके लिए लाता रहूं। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों यहां पे काफ़ी प्रीमियम लुकिंग आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा Xiaomi की तरफ से। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग Xiaomi स्मार्टफोन्स जो कि अभी तक लॉन्च हुआ है, और किसी भी तरह से इस पर डिज़ाइन में कटौती नहीं की गई है। यहाँ आपको बेसिकली प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है जिसको ग्लास फ्रेम के ज़रिए कवर किया गया है, तो काफ़ी हद तक जो है फिंगरप्रिंट्स को जो है ये कैप्चर कर सकता है। तो आप एक केस यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चारों तरफ जो फ्रेमिंग है वहाँ पर Xiaomi ने एक ख़ास तरह के अलॉय का यूज़ किया है। सामने की तरफ यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ आपको स्टेरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आयर ब्लास्टर भी दिया हुआ है, यानी कि इस फ़ोन को आप एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ आपको 6.55 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि बेसिकली एक 1080p डिस्प्ले है, और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश पैनल होने वाली है। जी हाँ, ये एक HDR10 सपोर्टेड डिस्प्ले होने वाली है, और 1 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स जो है आप इस डिस्प्ले में देख पाएंगे। टिपिकल कंडीशंस में 500 निट्स की ब्राइटनेस है, और आउटडोर कंडीशंस में लगभग 800 निट्स की ब्राइटनेस हो जाएगी। तो ये काफ़ी जो है अच्छी डिस्प्ले है, और इसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 402 पिक्सल पर इंच इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले पैनल काफ़ी अच्छा होने वाला है, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस या गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, और होल पंच डिस्प्ले है यहाँ पे, किसी भी तरह का आपको डिस्ट्रैक्शन नॉच वगैरह का नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिवाइस में आपको स्टेरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ आपको फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको साइड माउंटेड जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है काम करता है। हार्डवेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है नहीं, तो आप कैजुअल गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। वाइल गेमिंग आपको ज़्यादा इशू वगैरह आने की नौबत तो आएगी नहीं, उतना तो ये प्रोसेसर जो है कैपेबल है हैंडल करने के लिए। ये डिवाइस आपको दो तरह के रैम ऑप्शंस में मिल जाएगी, 6GB रैम आइदर 8GB रैम, इसके अलावा आपको 64GB या फिर 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज भी मिलती है। बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ आपको 4250 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि आपके इस डिवाइस को लगभग आधे घंटे में 60% तक जो है चार्ज कर लेता है। तो बैटरी काफ़ी डिसेंट अमाउंट की यहाँ आपको दी हुई है, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है इस डिवाइस की। लेकिन याद रहे ये वायरलेस चार्जिंग नहीं है, यहाँ पे वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है जो कि MIUI 12 पर बेस्ड है। MIUI के सभी टिपिकल फीचर्स इस फ़ोन में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की जो कि है इस फ़ोन का कैमरा सिस्टम। तो यहाँ आपको एक ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा। इसके अलावा सेल्फी के लिए यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी दिया हुआ है। तो यहाँ बात करते हैं फ़ोटोज़ की, तो बैक कैमरा से काफ़ी डिसेंट अमाउंट के फ़ोटोज़ आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप 64 मेगापिक्सल से फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, आपको 16 मेगापिक्सल से ही लेना होगा। अगर आपको 64 मेगापिक्सल से लेना है तो आपको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं, ये कहा जा सकता है काफ़ी डिसेंट अमाउंट के फ़ोटोग्राफ्स आते हैं मेन कैमरा से, अल्ट्रा वाइड कैमरा से, और टेली मैक्रो कैमरा से भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कलर यहाँ पे कैप्चर देखा जा सकता है। अल्ट्रा वाइड कैम में एक डिफ़िकल्टी ये है कि जब आप अल्ट्रा वाइड कैम यूज़ करेंगे तो वहाँ आप डिटेल्स कुछ हद तक मिस कर सकते हैं, और कलर्स सेचुरेशन भी कुछ हद तक जो है बिगड़ जाता है।
नाइट इमेजेस की बात करें तो यहाँ आपको मैन्युअली नाइट मोड आप ऑन कर सकते हैं या फिर आपको ऑटो नाइट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और यानी कि नाइट मोड में फ़ोटोग्राफ्स जो है ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ्स आते हैं अगर आप नाइट मोड को जो है यूज़ करेंगे तो, मतलब सिनारियो जो है बेसिकली ब्राइट हो जाता है और बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट मोड में। मेन कैमरा के साथ साथ अल्ट्रा वाइड कैम में भी नाइट मोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इमेज देखने को मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये रियर कैमरा से आप हाईएस्ट 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। EIS आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे कैमरा में, लेकिन 4K 30 FPS शायद बहुत कम मिलता है आपको, एटलीस्ट 60 FPS होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। और फ्रंट कैमरा से 1080p तक की वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ भी आपको 4K नहीं मिलता है, आप सिर्फ 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा Xiaomi Mi 11 Ultra में जो पाए जाने वाले वीडियो इफ़ेक्ट्स थे वो Mi 11 Lite में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और वीडियोग्राफी के लिए। अलग अलग इफ़ेक्ट्स का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदर कुछ फीचर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलता है, IP53, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस का सपोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलता है, चार्जिंग के लिए USB टाइप सी और साथ में NFC का भी सपोर्ट है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो करेंटली फ्लिपकार्ट पे ही ये लॉन्च हुआ है और वहाँ पे जो है कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो भी जाएगा। प्राइस कुछ इस तरीके से है कि 21,999 रुपये है 6GB रैम और 128GB वर्जन के लिए, और 23,999 रुपये है 8GB रैम और 128GB वर्जन के लिए। ये आपको तीन कलर्स में अवेलेबल होने वाले हैं, ब्लू, ब्लैक और कोरल। तो दोस्तों एट लास्ट आते हैं हमारे वर्डिक्ट पे, क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए? Xiaomi ने ये स्मार्टफोन क्यों लॉन्च किया मुझे नहीं पता। इससे बेहतर होता कि इसका जो 5G वर्जन है वो इंडिया में लॉन्च करता और उसकी प्राइसिंग ये रहती। एक 4G स्मार्टफोन के लिए 2021 में ये प्राइसिंग इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस प्राइस रेंज में आपको OnePlus Nord CE देखने को मिल जाता है, जो कि एटलीस्ट हम लोगों को एक बैंड तो देता है 5G का, लेकिन इस स्मार्टफोन में कोई भी 5G का बैंड नहीं है क्योंकि ये एक 4G डिवाइस है। इसका जब 5G वर्जन लॉन्च होगा तो उसका प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30,000 से ज़्यादा होने वाला है। यही रीज़न है कि Xiaomi ने इसे पहले लॉन्च कर दिया और इसे इस प्राइस रेंज में लॉन्च किया। ये प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन नो डाउट काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये कहीं भी जो है रिलाई नहीं करता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप 4G और 5G की लड़ाई में नहीं रहना चाहते हैं और इस शानदार स्मार्टफोन को जो है इस प्राइस रेंज में भी ख़रीद के यूज़ करना चाहते हैं 1.5-2 साल तक एटलीस्ट, तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं, नो डाउट ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आप 5G सिक्योर्ड होना चाहते हैं और अपने स्मार्टफोन 3-4 साल तक आप यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आपको एक 5G फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, जो कि इस प्राइस रेंज में आजकल इंडियन मार्केट में अवेलेबल होती ही है, या फिर आप इसी डिवाइस के 5G वाले मॉडल का भी वेट कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी और अपनी खुद की जो है हेल्प करता रहूं। अपना ख्याल रखें दोस्तों और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।